अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जूम के ऊपर है। तो सबसे पहले जूम इन्वायरमेंट को समझने के लिए तो हमारे पास, तो आप जब इंस्टॉल करने के बाद जब बेसिक इन्वायरमेंट आते हैं तो आपके पास ये फ्रंट पेज का आ रहा होता है। तो एक तो तरीका आपके पास होता है ज्वाइन का। तो ज्वाइन करने पर सपोज करें अगर आप कोई मीटिंग आईडी बना रहे हो तो यहाँ पर आप आईडी नंबर उसके बाद आप पासवर्ड करके ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड, ये अगर आप किसी इन्वायरमेंट के थ्रू आ रहे हैं, सपोज करें आप मूडल के थ्रू यहाँ पर एंटर आ रहे हैं, तो आप ओपनली मूडल को कनेक्ट कर लेने के बाद कनेक्ट आप ऑटोमेटिकली इस ईमेल आईडी के थ्रू आप रजिस्टर्ड हो जाते हो। तो आप जब आते हैं उस मॉड्यूल के अंदर तो आपके पास जो चीज़ नज़र आ रही होती है, तो सबसे पहले तो आप उसको कहते हैं ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो। आपने ज्वाइन किया विद कंप्यूटर ऑडियो, आपके पास जो ऑप्शंस बनती हैं यहाँ पर, एक तो ये आप इसका क्लिक करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इसका मीटिंग आईडी और उसका पासवर्ड, और इसका कॉपी आप ऑर्डर करके आप अपने यूज़र को भी दे सकते हैं जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस मीटिंग को। सेकेंड चीज़ ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग यहाँ पर हमारे पास चैट बॉक्स ओपन होता है। तो चैट बॉक्स को ओपन करने में हमारे पास तीन ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, एवरीबॉडी, पब्लिकली, होस्ट ओनली और नो वन। इसमें मतलब ये है तीनों का, एवरी वन अगर मैं करता हूँ इसमें सब के सब मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपस में बात कर सकते हैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर मैं खाली होस्ट करूँ तो इसका मतलब ये है कि खाली होस्ट टू होस्ट, कहने का मतलब है होस्ट मैं हूँ और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो डायरेक्टली मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं नो वन करूँ तो इसमें कोई सबको आप ब्लॉक कर देते हो, ठीक है। आप ना कुछ कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, ना से कोई आ सकता है। तो आइडियल केस ये है कि इसमें आप इसको होस्ट ओनली कर लें, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपके पास पार्टिसिपेंट्स के अंदर जो मेरे पास ओपन हो रहे थे, कि आप इसमें से दो काम कर सकते हैं, एक तो आप खुद होस्ट हैं, दूसरा आप मेक होस्ट भी कर सकते हो। यहाँ से आप जाकर किसी को चाहें तो आप अपने आप को यहाँ से होस्ट भी हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर जाकर अगर नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा होते तो उसको मेक होस्ट भी कर सकते हैं। आइडल यही है कि आप उसको खुद ही होस्ट रहें, किसी स्टूडेंट को होस्ट बनने की कोशिश ना, आई मीन आप ना दें, ऑप्शन में ना दें। सेकेंड पॉइंट, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, आपके पास जो ऑप्शंस आती हैं इसकी सेटिंग्स में अगर हम लोग देखें जाकर इसकी वीडियोस रिकॉर्डिंग के अंदर, तो आपने इस हिसाब से कॉल करना है कि एक तो वीडियो रिकॉर्ड आपके शेयरिंग, आई मीन वीडियो, आई मीन रिकॉर्ड वीडियो ड्यूरिंग शेयरिंग स्क्रीन, ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा क्लिक आपने इसके ऊपर करना है, रिकॉर्ड अ सेपरेट ऑडियो फाइल फॉर ईच पार्टिसिपेंट हु स्पीक्स, उसके मुताबिक जो पार्टिसिपेंट आएगा उसके मुताबिक भी रिकॉर्डिंग आपके पास सेव होती जाएगी। सेकेंड चीज़ ये है कि आपकी ऑडियो में आपके पास ये दोनों ऑप्शंस आपके पास ऑन होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आपके पास, ये दो चीज़ें आ गई आपके पास, एक तो विजुअल बैकग्राउंड की आपकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, चैट बॉक्स का मैंने आपको क्लियरली बता दी है, और आपके पास ये जनरल आपके पास विंडो ओपन आ जाती है, तो आपके पास एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। और इसके अलावा पॉइंट जो से हैं नोट करने वाले वो यही है। तो इसके अंदर हम लोग ने करने के बाद आप इसको करें क्लोज, ठीक है। जब ये आप हो जाते हैं तो आपने एक बात का याद रखना है, किसी को भी आपने बीइंग का होस्ट आपकी वीडियो ऑन होनी चाहिए, विद ऑन द अदर हैंड पार्टिसिपेंट्स को आपने ऑफ रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बटन जो होता है स्क्रीन शेयर का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँ तो यहाँ से मैं, मेरे पास स्क्रीन की ऑप्शन मैं शेयर कर सकता हूँ। और अगर मैं एंड मीटिंग करता हूँ, ठीक है, तो एंड मीटिंग करने के बाद जो मेरी ये रिकॉर्डिंग है, जो कुछ भी मैं इस पर कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली एंड मीटिंग ऑफ और ऑल, ये ऑटोमेटिकली आपको रिकॉर्डिंग को सेव करना शुरू कर देगा। इसकी जो सेव करेगा, सेव कहाँ पर करेगा वो भी मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, सेव करने की फ़ाइल कहाँ पर इसकी आती है। इसको पहले इसको कंप्लीट हो लेने दें प्रोसेस को, ठीक है। जब 38%, 42, 45% ये कन्वर्ट मीटिंग रिकॉर्डिंग, अभी मैंने एक और भी तरीका ऑलरेडी इसके मेरे चैनल के अंदर है, मैंने किस तरह रिकॉर्ड किया हुआ चैनल। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स जूम, अगर मैं इसको आपको अंदर थोड़ा सा दिखाऊँ, तो आपके पास दिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास जूम है, इस जूम के अंदर आपके पास जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्डिंग है वो सारे कुछ हो रहे हैं। तो आपके पास ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी, आपके पास जो फाइल बन रही, एक आपकी ये MP4 है और ये ऑडियो फाइल्स हैं, और हमें दो फाइल्स की ही सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। हमें जब भी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग करके वापस रखेंगे तो ये दो फाइल्स पे हम लोग रिकॉर्ड करके डाटा को हम लोग रख सकते हैं। आई होप सो ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए क्लिप। अगर कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।